नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और पता चला है कि हिंसा से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसके जरिए साजिश रची गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा से पहले ललकार किसान नाम का एक ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के वीडियो शेयर किए गए थे। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा गया था कि इससे बदला लेना है। राजधानी पटना में दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन करेंगे लेकिन मेले का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही साथ पूजा समितियों को डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। पीएम मोदी ने लखनऊ दौरे के दौरान यूपी को होमवर्क दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दिवाली पर नए घर पाने वाले 9 लाख लोग दो दो दिए जलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को होमवर्क दिया कि इस दिवाली पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने वाले 9 लाख परिवार ये काम जरूर करें। वहीं अयोध्या में भी 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वो इस रोशनी की स्पर्धा में जरूर शामिल हो। असम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पिछले साल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टी के भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद एक बार फिर भाजपा के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी लेकिन बीपीएफ का नेतृत्व करने वाले हाग्राम मोहिलारी ने कहा है कि भगवा पार्टी के साथ गठबंधन लगभग अंतिम है। इंडोनेशिया में कोविड 19 के ताजा मामलों में गिरावट के बीच 14 अक्टूबर से कुछ देशों के विदेशी पर्यटकों के लिए रिजॉर्ट द्वीप बाली को फिर से खोल दिया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। समुद्री निवेश मामले के समन्वय मंत्री लुहुत बिंसर पंडजैतन ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी और बताया कि इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के आबूधाबी, दुबई से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत करेंगे। IAF की 89वें वर्षगांठ पर एयरफोर्स की तरफ से हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में अभी भी चीनी वायुसेना मौजूद है लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। राफेल अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता बढ़ गई है। हमारे बेड़े में नए हथियारों के एकीकरण के साथ हमारी आक्रामक स्ट्राइक क्षमता और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा और राज्य पार्टी प्रमुख विंसेंट एच पाला से सोमवार देर रात मुलाकात की। दोनों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। संगमा ने बैठक को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और हमारे पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठकों में जिन मामलों में सुधार की जरूरत थी उन पर विचार विमर्श किया गया है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मोदी जी, मैंने सुना है कि आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं, क्या आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपकी सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलते हुए दिखाता है। आपका यह वीडियो देखिए और इस देश को बचाइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया और साथ ही साथ इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि एक बार लखीमपुर जरूर आइए। दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई प्रशासनिक अधिकारों का बंटवारा संबंधी याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय बेंच गठित करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह बेंच दिवाली की छुट्टियों के बाद दिल्ली में अधिकारों का बंटवारा संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगी। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सत्र का आयोजन 2 साल के इंतजार के बाद 22 दिसंबर से बेंगलुरु में किया जाएगा लेकिन इसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। PKL के आयोजक मशाल स्पोर्ट्स की ओर से कहा गया है कि खिलाड़ियों और बाकी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के बिना टूर्नामेंट का आयोजन करवाने का फैसला किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में इस लीग का आयोजन नहीं हो पाया था। सुपरटेक ट्विन टावर निर्माण से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। सुपरटेक बिल्डर ने प्राधिकरण की 7000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। ग्रीन बेल्ट का इस्तेमाल सुपरटेक बिल्डर कर रहा था। प्राधिकरण के SIT टीम जांच करने के लिए वहां पहुंची थी जिसके बाद इसका खुलासा हुआ है। ड्रोन सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है। फिलहाल जो सूचना मिली है उसके मुताबिक सुपरटेक बिल्डर ने जनरेटर रख ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान जारी कर कांग्रेस और राजद दोनों पर हमला बोला है। मंगलवार को दानिश रिजवान ने कहा कि कांग्रेस को अपमानित करने का ट्रेंड चल रहा है, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी हम लोग खुद साथ थे और हमने देखा है कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने सहयोगी दलों को अपमानित करते हैं। ग्लोबल आउटेज की वजह से फेसबुक के CEO मार्क जगरपक की संपत्ति में $7 बिलियन यानी करीब 52,190 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही कंपनी को रेवेन्यू में $80 बिलियन यानी करीब 596 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जताया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के ठप होने की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर घंटे करीब $160 मिलियन यानी करीब 1,192.9 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है।
देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव खूब तेजी से चल रहा है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में देश में जल्द ही 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका लाने की तैयारी चल रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरपर्सन एनके अरोड़ा ने मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में जल्द ही 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के निकट 3 एयरबेस पर चीन ने अपने विमान तैनात कर रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रैगन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि भारत लगातार पैनी निगरानी कर रहा है और जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काईमेट के अनुसार यह समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। गुजरात और राजस्थान को जल्द मॉनसून अलविदा कहेगा। फिलहाल दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में बारिश जारी है। गौरतलब है कि मॉनसून की वापसी में देरी हो रही है। चक्रवात शाहीन ओमान की खाड़ी और इससे सटे पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। वहीं बिहार के ऊपर भी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों ने जरूरी और जिम्मेदार यात्रा पर जोर देते हुए कहा है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कारणों से होने वाली सामूहिक सभाओं के कारण संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इससे कुछ राज्यों में संभावित तीसरी लहर की स्थिति भयावह हो सकती है। संसद सत्र के दौरान देश में कितने फीसदी सांसद सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, इसको लेकर एक स्टडी की गई है। स्टडी से पता चला है कि राज्यसभा में पिछले 7 सत्रों की औसत रोजाना उपस्थिति 78% रही है। संसद के ऊपरी सदन में सांसदों की उपस्थिति के विश्लेषण से पता चला है कि अन्ना द्रमुक सदस्य SR बालासुब्रमण्यम सबसे नियमित राज्यसभा सदस्य है जो संसद जाते हैं। 75 वर्षीय सांसद ने 7 सत्रों की अभी तक सभी 138 बैठक की कार्यवाही में भाग लिया है। वहीं सभी दिनों में सदन की प्रत्येक बैठक के दौरान केवल 30% उपस्थिति दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत तय करने में शामिल एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ज्यादा है, जिसके चलते भारत जैसे देश को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक महीने पहले जहां कच्चे तेल का दाम $72 प्रति बैरल था, वहीं सोमवार को ये बढ़कर $79 प्रति बैरल हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। सीएम पद पर बने रहने की अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। हालांकि अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सरकार ने फिलहाल ममता दीदी को विधायक के तौर पर शपथ लेने से रोक दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सरकार ने 7 अक्टूबर को एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शपथ दिलवाने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि उन्होंने फिलहाल इंतजार करने को कहा है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के विभिन्न रीजन में स्थित अपने विभिन्न ब्रांचों में प्रोबेशनरी ऑफिसर के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बैंक द्वारा सोमवार 4 अक्टूबर 2021 को जारी SBI PO 2021 नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 2056 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आज 5 अक्टूबर 2021 से आवेदन कर सकते हैं, जो कि sbi.co.in पर आवेदन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाया है। जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से कहा कि आप यहां शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादी का महिमामंडन कर रहे हैं। दशहरा के बाद और दिवाली से पहले 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी DA पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया था। कोरोना काल में सरकार ने 1.5 साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक रखा था। अब मोदी सरकार त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहली बार सिद्धू पर जुबानी हमला करते हुए उनको करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सीधा सा कानून है, सिद्धू को भी बैठकर बताया है, उनको भी पता है नए DGP की नियुक्ति होना अभी बाकी है, अभी सिर्फ अस्थायी व्यवस्था की गई है। नए DGP की नियुक्ति तब होगी जब केंद्र सरकार का नया पैनल आएगा। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को रोहिणी कोर्ट को बताया है कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई जूनियर पहलवान सागर राणा की जान जाने के मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार मुख्य आरोपी है। बिहार उपचुनाव में भले कांग्रेस और राजद के बीच में मतभेद दिख रहा हो, लेकिन महागठबंधन में दरार उसी समय पड़ गई थी जब कन्हैया कुमार CPI छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बिहार के महागठबंधन में राजद मुख्य दल है, जिसमें कांग्रेस, CPI, CPM और माले शामिल है, जब GNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और CPI के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए तो महागठबंधन की नींव हिलने लगी थी।
लालू प्रसाद की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीति आयोग की रिपोर्ट पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा बिहार को फिसड्डी राज्य बनाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीति आयोग को ही दोषी ठहराते हैं, दूसरे के माथे पर फोड़ते हैं, वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद किस बात का रोना रोते हैं। शाहरुख के बेटे का नाम आने के बाद फैंस लगातार शाहरुख खान को सपोर्ट कर रहे हैं। एनसीबी केस को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉलीवुड सितारे और फैंस का काफी सपोर्ट मिल रहा है। किंग खान के बहुत से फैंस सोशल मीडिया के जरिए उनके और आर्यन खान के लिए सहानुभूति जता रहे हैं। इस सबके बीच अब शाहरुख खान के फैंस खास अंदाज में उनका और आर्यन का सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मिलाकर 18,346 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण से 29,639 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,31,50,886 पर पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या देश में फिलहाल 2,52,902 है, जो कुल मामलों का 0.75% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में रिकवरी रेट अब 97.93% पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, धर्मवीर कुमार, नुन्नू कुमार, श्याम कुमार झा, राजेश सोंथियाल, श्याम नारायण सिंह, जयेंद्र कुमार, उत्तम कुमार, गुड्डू कुमार, रोशल कुमार, नूरुद्दीन खान, गजेंद्र सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन आपका नाम वीडियो के अंत में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भारत सरकार को पर्यटन स्थलों को बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।